मेरा नाम है राहिल और ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि लोअर तबका जो कि कराची का है, हम कराची के हैं, लोअर मिडिल तबका किस तरह ईद मनाता है, किस तरह वो ईद के दिन को पूरे तरीके से गुजारता है। आज ईद का दूसरा दिन है, जबकि ईद का फर्स्ट डे तो गुजर गया, आज दूसरा दिन है, छुट्टियां हैं, मैं जॉब वाला हूँ। बहुत सा तबका लोअर मिडिल जॉब करता है, छोटी हल्की फुल्की जॉब्स होती हैं, बाकी उनकी फैमिलीज होती हैं, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह गुजारा करते हैं और कहाँ घूमने जाते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे सारा दिन गुजारते हैं। तो इसके बारे में मैंने ये सोचा, जहन में आया कि इस तरह भी एक ब्लॉग होना चाहिए, इस तरह का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस तबके का कि वो लोग किस तरह गुजारा करते हैं। तो ये मैं हूँ, मेरा नाम राहिल है और ये मेरे साथ जाते हैं जो कि बहुत फ़नी हैं और बहुत छोटे हैं। इनका नाम है अब्दुल्ला, इनका नाम है अब्दुल्ला और इनको प्यार से हम बोलते हैं गुगु बाबा। अब्दुल्ला से हाय हाय। अच्छा, ये हमारी बेटी हैं, इनका नाम है महरमा और इनको हम प्यार से बोलते हैं मानो। और ये मेरी वाइफ हैं, इनका नाम है नौरीन और इनको हम प्यार से नौरीन ही बोलते हैं, बच्चे इनके मम्मा बोलते हैं इनको जी। ये कंटिन्यू बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये हमारी जान नहीं छोड़ते हैं। ये आपके हर घर में ही पाए जाते हैं, बहुत खतरनाक हैं और ये पीछे लगे रहते हैं। तो ये हमारा घर है और हम रेंट पे रहते हैं और किस तरह हम लोग अपना गुजारा करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जॉब करते हैं और ईद के दिन गुजारते हैं, ओकेशन गुजारते हैं और हमारा जैसा तबका किस तरह ये करता है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है, ये चैनल बनाया है। और अपने आप को इंट्रोडक्शन करूँगा, अपना सारा रूटीन दिखाऊँगा, बच्चों के साथ किस तरह इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं बच्चों को। तो इस तरह का हमारा ये छोटा सा घर है और यहाँ हम लोग रहते हैं और जमशेद रोड कराची का एरिया है ये। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। अच्छा, जैसे अब ईद का दूसरा दिन है तो क्या करें, टाइम तो पास करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो हमने सोचा चलो बाइक वॉश कर लेते हैं और फिर शाम में घूमने चलेंगे उस पर। तो चलते हैं बाइक वॉश करने। फिर ये इस तरह हमारा, ये देखें, ये हमारा सहन है, ये हमारा सहन है, ये हमारी बाइक है और ये ऊपर की सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ हमारे मालिक मकान रहते हैं। ये छोटा सा सहन है लेकिन हम बाइक लेके जाएंगे, बाहर धोने जाएंगे। ये हमारी बाइक है, इसको हम वॉश करेंगे, ये हमारे पार्टिसिपेट हैं, करेंगे हमारे साथ वॉश करने में। तो चलते हैं बाइक वॉश करते हैं, आइए। तो ये हम आ गए हैं बाहर, मैं बाइक ले आया हूँ धूप में, धूप में धोता हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाती है ना, तो इस तरह मैं ये बाइक बाहर ले आया हूँ। ये हमारे देखें गुगू बाबा भी आ चुके हैं, मानो भी आ चुकी हैं, ये हमारी बाइक है। हम स्टार्ट करते हैं बाइक, फटाफट से धोते हैं, फटाफट से धोते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल टच दिखाते हैं, सही है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस। गाइस बाइक धुल चुकी है और भाई की बैंड बच चुकी है, पसीने पसीने हो गए हैं। ये हमारे गाइस यहाँ घूम रहे हैं छोटे छोटे। गुगू बाबा क्या खा रहे हो? गुगू बाबा क्या खा रहे हो? आई। ये ना किसी भी चीज़ को बोलता है आई, मतलब बच्चे बोलते हैं ना हम चीज़ लेने जा रहा हूँ, तो ये बोलते हैं हमको आई दिलाओ, क्यों मानो, सही कह रहा हूँ ना? ओके। और ये देखें बाइक की, ये इसकी इस वक्त फाइनल टच निकली है, मतलब खुद हाथ से धोना और फिर इस पर पॉलिश करना। हाँ, तो ये है इसका फाइनल टच दिखा रहा हूँ। देखें धुलवा तो मैं प्रेशर से भी सकता था वॉश वालों की शॉप पे जाके, गैरेज में जाके, लेकिन खुद धोने का अलग ही मज़ा है। इसमें आपकी थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाती है, थोड़ा पूरा दिन है, छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा हाथ पैर चल जाते हैं आपके, थोड़ा एक्टिविटी हो जाती है। ये पॉलिश का डब्बा है, इससे मैंने इसकी पॉलिश करी है और जब मैंने बाइक ली थी 3 साल पहले तब लिया था, ये डब्बा अभी तक चल रहा है, अब ख़त्म हो गया वैसे, लेकिन चल रहा है और चला रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे को बाबा 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 कह के तंग करता रहता है, सुनता नहीं है। अरे भाई सब्र तो करो। तो ये है, तो अब इसको तो नहला दिया, खुद जाके भी नहाएंगे
बच्चे भी नहाएंगे, फिर शाम में इसी को घूमने जाएंगे। ये बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जिनके पास बाइक्स हैं सिर्फ, गाड़ियाँ नहीं हैं, तो भाई बाइक पे घूमेंगे, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, घूमेंगे बस। इस तरह ईद इंजॉय करनी है, सब करते हैं, हम भी करेंगे, तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं। गोगू बाबा आइए अंदर आइए, आओ ना यार, अभी चलेंगे, फिर अभी चलेंगे घूमने चलेंगे अभी। आप यार तंग करता है ये, बड़ी मुश्किलों से आता है। आप चलो अभी चलेंगे, नहा नहाव करेंगे, वॉश पॉश करेंगे, फिर चलेंगे। तो ये फिर भाग गया, फिर भाग गया। आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये बहुत तंग करता है भाई, बहुत तंग करता है, ये वाला साइज बच्चों का बड़ा खतरनाक होता है। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठ गया, बैठ गया बुल्ला, मुझे घुमाने लेके चलो। कहाँ जाना है, अच्छा बताओ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बताओ, बाहर जाना है, ये निकाल के बताओ, ये निकाल के बताओ कहाँ जाना है, किधर बताओ, तू मुँह से बताओ, बाहर जाना है। हाँ। बाहर क्या करोगे जाके, बुम बुम पे जाना है। हाँ। बुम बुम वॉश कर दिया ना, अभी हम भी नाव नाव करेंगे फिर चलेंगे, आ जाओ। बहुत तंग करता है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस, जैसे कि बाइक तो धो ली है, तो घर आए तो नौरीन ने टैंक बनाया हुआ था, जूस बनाया हुआ था ठंडा ठंडा, तो हमने बोला चलो ये पी लें, थोड़ा एनर्जी जो वेस्ट हुई है थोड़ा सा तवानाई आ जाएगी, तो मैं भी जूस पी रहा हूँ और ये बाकी सब भी जूस पी रहे हैं, जूस इंजॉय कर रहे हैं। कुकू बाबा को हमने मोबाइल लगा के दे दिया ताकि हमारी थोड़ी सी जान छूटे, मोबाइल बहुत शौक से देखता है ये, कई कई घंटों तक लगा ही रहता है, तो जब हम थक जाते हैं और ये फीडू में इस तरह इसको हम डाल के दे देते हैं, ये फीडू में पीता है, सही है। तो जूस पीते हैं और उसके बाद थोड़ा वॉश करेंगे अपने आप को, शावर लेंगे, नहाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद शाम में देखते हैं कहाँ निकलते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, आपको दिखाएंगे, आपको मिलाएंगे, आपको अपने साथ घुमाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। खाना लग चुका है तो मैंने बोला खाने का भी बता दें, क्या खा रहे हैं हम और कैसे खाते हैं, तो मिडिल क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये देखें, ये है हमारा खाना, दाल चावल, जैसे कि गर्मी बहुत थी, इसने नौरीन ने मुझसे पूछा क्या खाएंगे, मतलब दाल चावल कुछ लाइट सा बनाओ, गर्मी बहुत है। तो ये साहबजादे मोबाइल देख रहे हैं, गुगू बाबा हाय, क्या कर रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, लिपस्टिक देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बुम बुम पे जाएंगे आप, पार्क जाएंगे, ओके अभी आपको पार्क लेके चलेंगे। ये क्या खा रहे हैं हम, खाना, बाबा खाना, और ये खाने की चोर, हर वक्त मोबाइल देखती रहती है खाने के टाइम, जब इसकी मम्मा इसको डांटती है उसके बाद ये खाना खाती है, ये खाना नहीं खाती है हमारे, बहुत तंग करती है भाई। ये माशाल्लाह हमारा खाना खाता है गुगू बाबा, और फटाफट से खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद शाम के 5 बज रहे हैं अभी, उसके बाद देखते हैं कहीं छोटा मोटा यहाँ पे पार्क हैं बहुत सारे, उधर चलते हैं, थोड़ा बच्चे को इंजॉय करेंगे, क्या दिन है क्या करें, तो मिलते हैं खाने के बाद, ओके। हाँ तो सवारी हो गई है हमारी तैयार, जिसको हमने धोया था, आपके सामने वॉश किया था हम सब ने मिल के, अब उसी सवारी पे हमारी सवारी चल पड़ी है घूमने फिरने पार्क की तरफ, तो आइए चलते हैं पार्क, कुकू बाबा को थोड़ा इंजॉय करवा दें, ईद की खुशियाँ जरा इंजॉय कर लें, आ जाए। जैसे कि हम पार्क पहुंच चुके हैं, लेकिन पार्क की कंडीशन आपको मैं अभी दिखाता हूं, क्योंकि ईद का दिन है तो रश तो बहुत है, तो रश ये देखें कितना रश है, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक, और मेरी फैमिली ये रही, मेरी नूरी जी, थोड़ी सी हमने रिफ्रेशमेंट की चीज़ें ले ली हैं, गुगू बाबा भी आ चुके हैं, और ये नूरी के भाई भी हम लेके आ गए, उनको साथ में, उनकी सिस्टर को भी लेके आ गए हैं, हमने बोला चलो सब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमने बोला आप भी हमारे साथ साथ आ जाओ, तो सबको लेके आ गए हैं, तो देखते हैं, रश चेक करें बस आप, बहुत पब्लिक है, ईद का दिन है ना भाई, क्या करें, अब निकलना तो है ना, तो सब निकले हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, वो देखें पब्लिक चेक करें हमारे साथ, ये झूले भी चल रहे हैं यहाँ पे, और ये गुगू बाबा को पकड़ना पड़ता है वरना ये भाग जाते हैं झूलों में डायरेक्ट, तो ये पब्लिक गार्डन में फुल टापो टाप चल रही है,
देखें ज़बरदस्त रश है, बहुत ठीक ठाक पब्लिक है। तो आ तो गए हैं, अब बैठने की जगह ढूंढते हैं ताकि कहीं बैठें और उसके बाद इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है, बहुत रश है। ये देखें रश बहुत है। बाबा आइसक्रीम, ये आ गई है मानो। क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम। इनको आइसक्रीम चाहिए, इतना रश में आइसक्रीम। अभी पहले जगह तो मिल जाए कहीं बैठने की, कहीं बैठते हैं उसके बाद आइसक्रीम का कुछ सोचते हैं। ये गुगू बाबा भी टहलते हुए आ रहे हैं। गुगू बाबा मगर देख रहे हैं, मगर और कहाँ जाओगे आप, किधर जाओगे? कहाँ जाना है? ये इनका फेवरेट है बॉल रूम। हॉल्स होती हैं उसके अंदर इनको छोड़ दिया जाता है केज के अंदर, ये वहाँ पे इंजॉय करते हैं, इनका फेवरेट है। तो ये वहीं जाने की कोशिश में लगे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बॉल रूम में जाना है। बॉल रूम में स्लाइड लेनी है? क्या लेनी है बताओ, इधर देख के बताओ क्या लेनी है। पाइड लेनी है इनको, पाइड। तो ये फैमिली खड़ी हुई है और बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं जो कि नहीं मिल रही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं शायद कोई जगह मिल जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये बड़ा बड़ा अच्छा पार्क है, इधर फैमिलीज भी आती हैं और थोड़े इन्होंने परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं, मगरमच्छ भी रखे हुए। मगरमच्छ दिखाओ, मगरमच्छ रखे हैं। पर्दा पार्क के नाम से ही पार्क है, मगरमच्छ ही ऐसे ही रहते हैं स्टिल, बड़ी मुश्किलों से हिलते हैं ये। ये फैमिली मेरी घूम रही है यहाँ पे, मानो उनकी नूरी और गुगू बाबा पता नहीं कहाँ गए। तो बैठने की जगह नहीं मिल रही असल में ना, बैठे के साथ हैं क्या करें भाई? मेरे को लगता है वापस चलना है। गुगू बाबा ये भागते हुए आ रहे हैं, ये भागते हुए आ रहे हैं। आओ इधर आओ गुगू बाबा। ये क्या, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करते हैं, चलते फिरते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया, थोड़ा सा खाते हैं, फिर वापस जाएंगे घर। मगरिब का टाइम होने वाला है, अभी ये टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा तो रश भी कम हो जाएगा फिर हो सकता है। तो एक बेंच नज़र आ रही है मुझे खाली, वो देखें तो उधर बैठते हैं चल गए। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे से पहले ही कोई ना कोई जाके बैठ जाएगा। और ये बैठ गए बच्चे लेडीज और जेंट्स, तो नीचे बैठने का कुछ ढूंढते। भाई यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ भाई, यहीं जगह बना लो, बैठो बैठो, यहीं बैठ जाओ भाई। ये गुगू बाबा भी आ गए, ओ आ गए हमारे गुगू बाबा। गुगू बाबा आई खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या लेंगे? आइसक्रीम खाएंगे, ले लेना इसमें से चीज़ें निकाल के दो भाई इनको। ये बैठ गए हैं, क्या करें अब, कुछ ना कुछ तो करना है ना, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं थोड़ा बच्चा। ये देखें गुगू बाबा मुझे बोल रहा है क्या करना है, इसको ना बॉल में जाना है। मैं आपको बॉल की कंडीशन दिखाता हूँ, ये कंडीशन है बॉल की, इतना रश हो रहा है। ये है अंदर बड़े बड़े बच्चे, ये है छोटा, मुझे डर लग रहा है इसको चोट ना लग जाए कोई, बड़ा होता तो अंदर डाल देता मैं इसको, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन ये रिस्क वाली बात है ना। तो इसलिए असल में हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं कंटिन्यू, हर हफ्ते आते हैं, तो हर हफ्ते आते हैं कंटिन्यू आते हैं, लेकिन आज बहुत रश है तो आज मैं इसको बिठाना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा रश है। क्या हुआ? करो ना तुम, बाबा बोल रहे खाना दो खाना दो खाना।
यहाँ ना दो कहाँ ना दो, ये सब ये मोबाइल में देख देख के करता है। ये है भाई, हमने रोल वगैरह खाए और बड़े मज़े के थे। हाँ तो भाई आपको मज़ा आया रोल खाने में? बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्ता मानो आपको मज़ा आया? हाँ ज़बरदस्त। कौन सा खाया आपने? चीज़ रोल खाया, चिकन चीज़। और भाई गुगू बाबा आपने क्या खाया? ये क्या है आपके आपके पास? क्या है ये? कोल्ड ड्रिंक। और जूस पी लिया आपने? चले भाई ये सब खा भाई, खाया पिया और बस जाएंगे अब घर वापस। दोस्तों जैसे कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, काफ़ी बैटरी डाउन हो चुकी है। कुकू पापा तो सो भी गए और रात के 1:30 बज रहे हैं। तो बस यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तो बस आपसे दरख्वास्त है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें। ओके अल्लाह हाफिज़। कैसे अगेन? कैसे प्लीज़ बोलो, प्लीज़ बोलो, प्लीज़।